मैं इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा मतलब समझने लगी हूँ, इसलिए मुझे इनमें और दिलचस्पी हो रही है और मेरी आंखें खुल रही हैं। हमारे लोगों को पता चले कि हम जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हम चढ़ावे चढ़ाते हैं मंदिरों में, वो उसका क्या उपयोग होता है। और ये सही है, मेरी आंखें खुल गई आज, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं जब मंदिर में जाती हूँ और कुछ वहाँ रखती हूँ तो वो कहाँ वो चला जाता है। हमारे टेम्पल्स तो आपको पता है कितने सारे, मतलब बालाजी टेम्पल्स और कितने बड़े बड़े, और कितने, और हम लोग कितना जाते हैं वहाँ, कहाँ कितने पैसे वहाँ इकट्ठे होते हैं। 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल। उड़ होगा वासु, उड़ेगा। चाह का बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट है? स्टोर, केटली, चाह, शक्कर, गिलास, थर्मस, आगे हम एक तो बच्चा और लाड़ी का वासु। मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूं, यानी के मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूं। मतलब जहां जहां आपका दरगाह है, मैं सब दरगाह पे जाता हूं, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहां मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है, मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी के दरगाह का जो लाल धागा रहता है, वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ, भूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चादर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहां पर था फिर मैं वहां पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तलाफी ना हो। मैं आपसे अपील गुजारिश करता हूँ भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहाँ दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मैं अपने होश और आवाज से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव? कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ना। क्योंकि इस्लाम को जबरदस्ती से किसी से कबूल कराना, जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, लाइक रफिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाल्लाह, तो मैं अरबी में कहूंगा उसको, आप जरा ये अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे, उसके बंदे और पैगंबर है, पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके, और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको और हिदायत दे, और आप अमल में भी इंशाल्लाह पक्के बने, और दुआ करूंगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाल्लाह आपको सफलता मिले। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब,
आपने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा, वो पहले बुत परस्ती करता था फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए, कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए, लेकिन लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है, आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं, यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते।